यार क्या मतलब क्या हो क्या रहा है यार। मैं मतलब काफी सारे मेरे पर क्लाइंट आते हैं, गाड़ी पुरानी खरीद के ले आते हैं और बाद में परेशान होते हैं, रोते हैं, माथा पीटते हैं, भाई बोलते हैं ये क्या ले लिया मैंने, क्या परेशान हो गया भाई। मैं एक बात बताऊं छोटी सी आपको, मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको भाई, आज की डेट में कहीं भी कोई ईमानदारी वाली बात नहीं रही है। अगर आपकी जेब में पैसा है ना तो लूटने वाले 50 हैं आपके पास। रीजन मैं पता क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसे क्लाइंट आते हैं इतना परेशान, इतना दुखी भाई, इतना परेशान, मैं पूछो मत। कोई नजफगढ़ से आ रहा, कोई हरियाणा से, कोई पंजाब से आ रहा, कोई अमृतसर से आ रहा, कोई उत्तराखंड से आ रहा है, और सिर्फ एक ही रीजन उनका कि भाई मेरे को लूट लिया, मेरे को परेशान कर दिया, मेरी गाड़ी में दिक्कत आ गई, मेरी गाड़ी में दुखी हो गया, मैं बहुत ज्यादा मतलब मैं परेशान हो चुका हूँ गाड़ी से, स्कूटी से, बाइक से, हर चीज से। ऐसे ही एक क्लाइंट मेरे पास आया है बाइक लेके, स्कूटी लेके, सुजुकी एक्सेस 125। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा कार पीएम के बारे में, गैरेज प्रो, ओबीडी स्कैनर, ये जितने भी मैकेनिक लाइन होती है और ऑटोमोबाइल के सेक्टर होता है, इनमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है कार पीएम ओबीडी स्कैनर। तो ऑटोमोबाइल में बदलाव हो रहा है, वो सबसे बड़ा बदलाव है BS6 में ओबीडी स्कैनर सिस्टम का बहुत ज्यादा होना जरूरी होता है। मैं अगर अपनी वर्कशॉप की बात करूं तो मैं अपनी वर्कशॉप में ओबीडी स्कैनर के लिए गैरेज प्रो का कार पीएम का यूज करता हूं। कैसे यूज करता हूं, इससे कितना बेनिफिट होता है, ये मैं आपको बताता हूं और उसके बाद हम अपनी वीडियो में स्टार्ट करते मिलता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से ही खुलता है और कुछ इस तरीके से इसमें काफी सारी चीजें होती है, काफी सारी लीड होती है इसके अंदर, और ये इसलिए होती है कि जितनी भी बाइक है BS6 की, बजाज की, हीरो की, यामा की, टीवीएस की, जितनी भी हैं, उन सभी में ये आराम से अटैच हो जाता है और आराम से आपको हेल्प करता है कि आपकी बाइक में कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, वो कैसे सॉल्व होगी, उसमें कहां पर फॉल्ट है। अगर किसी बाइक की आप इसके अंदर रिपोर्ट बना रहे हो, निकाल रहे हो इसके थ्रू, तो आपका जो रिपोर्ट होती है वो ईमेल आईडी पर भी आएगी। इनका खुद का एक पूरा प्रॉपर एक कॉल सपोर्ट के होने के साथ साथ, और साथ ही इसमें ट्रैक मोड भी है, आप इसको लगा के ट्रैक मोड यूज कर सकते हो अपने फोन के द्वारा, जैसे कि आपको दिख ही रहा है इस वक्त। ट्रैक मोड के अलावा इसके अंदर आप मोटरसाइकिल में जो सर्विस रिमाइंडर होता है उसको भी रीसेट कर सकते हो, साथ में आने वाले जो अपडेट होते हैं मोटरसाइकिल में वो भी इसके द्वारा पता लगा सकते हो। तो ये बहुत बेस्ट लगता है। अभी फिलहाल इसके ऊपर बहुत भारी छूट चल रही है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उस पर क्लिक करके इसे बाय करके अपनी वर्कशॉप में यूज कर सकते हो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस बंदे ने स्कूटी जिस हिसाब से खरीदी है वो बिल्कुल सही खरीदी है, पर जिस हिसाब से गाड़ी में काम है उस हिसाब से भाई साहब इस बंदे को इतना तगड़ा सदमा लगाया ना कि मैं क्या ही बताऊं। खैर मैंने बोला इसको कि भाई इस गाड़ी को मेरे को बेच दो, मैं जितने पैसे की आपने ली है उससे 1-2 हज़ार में मैं आपको दे दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट भाई बंदे ने बोला नहीं भाई मुझे नहीं बेचनी, अब मैंने जो ले ली है, मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। पर इस गाड़ी में दिक्कत है क्या, मैं आपको पूरी बताता हूँ। सबसे पहली चीज, इसको जब स्कूटी बेची गई तो इसकी गाड़ी में दिक्कत क्या आई, रास्ते में गाड़ी बंद पड़ गई और बंद होने के बाद गाड़ी सीज मार गई। जब इस बंदे ने रास्ते में किसी मैकेनिक को बुलाया और उससे पूछा कि भाई मेरी गाड़ी बंद हो गई है, इसे ठीक कर दो, उस मैकेनिक ने इसको बताया भाई आपकी गाड़ी का इंजन सीज मार गया है। इस बंदे ने जिससे बाइक खरीदी थी उस बंदे ने बोला था भाई मेरी गाड़ी बिल्कुल ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब भाई सरप्राइज मिल गया, जब गाड़ी किसी के नाम हो जाती है ना तो आप उसका बाल तक नहीं उखाड़ सकते भाई, कोई आप कुछ बोल नहीं सकते उसको कि भाई तूने गाड़ी मुझे गलत दे दी, ना देना देना, आपको पहले ही उसी टाइम चेक करना पड़ता है भाई। आज की डेट में स्कूटी हो या बाइक हो, आपको लेने से पहले 10 बार चेक करना पड़ता है, उसके बाद ही उसे पेमेंट करो। बंदा आपको मना नहीं करेगा कि भाई मेरी गाड़ी चेक क्यों कर रहे हो, स्टार्ट क्यों कर रहे हो, ओवर किस इसको रेस क्यों दे रहे हो, इंडिकेटर को चेक करो, कुछ भी मना नहीं करेगा वो, क्योंकि आपका पूरा हक बनता है उसे चीज़ों को चेक करने का। अब ये जो स्कूटी है, इस स्कूटी में हुआ क्या, पूरी कहानी समझो भाई, आपको बड़ी हैरानी होगी इस वीडियो से, कुछ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्या सीखने को मिलेगा एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बताना, बाकी मैं बताता हूँ। जब ये गाड़ी पहली बार बंद हुई तो गाड़ी सीज मार गई, मैकेनिक को बुलाया, मैकेनिक ने ठीक किया, 3,000 रुपये लिए मैकेनिक ने, इसका हेड सिलेंडर खोला और पिस्टन के अंदर डाल डूल के इसको दे दिया। उसके बाद कस्टमर को बोला गया, मैकेनिक ने बोला कि भाई अब आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, गाड़ी एकदम परफेक्ट हो गई, बढ़िया मलाई मक्खन एकदम। कस्टमर ले गया, 1 हफ्ते चली, 3-4 दिन, 5 दिन मस्त चली, बढ़िया 10 दिन तक, अचानक से एक हाईवे पर गाड़ी दोबारा से बंद हो गई। अब भाई बंदा दुखी, जब गाड़ी खोल के देखी तो गाड़ी में और दिक्कत, इंजन में ही दिक्कत है। उसके बाद गाड़ी दोबारा मैकेनिक के पास ले गया, मैकेनिक ने बोला भाई 1,800 रुपये लगेंगे, क्योंकि दूसरा मैकेनिक था भाई, अगर गाड़ी बंद होगी ना रस्ते में तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा वहाँ पर रस्ते में ठीक कराने के लिए, कि भाई अपने पास मैकेनिक बुलाया अपना मैकेनिक और आपका मैकेनिक दौड़ा आया और हाँ भाई क्या हुआ क्या हुआ, ऐसा सीन नहीं होता भाई। वो बंदा वही करता है जो एक रेपुटेटेड मैकेनिक होता है कि हाँ आपने इंजन का काम कराया, आपने उस मैकेनिक को कॉल किया कोई दिक्कत आने पर, और वो मैकेनिक आपकी गाड़ी की जिम्मेदारी ले ली कि हाँ सर आप टेंशन मत लो, वहीं नियर बाय पार्किंग में खड़ी करो, मैं आपकी गाड़ी की जिम्मेदारी लेता हूँ और आप अपना ऑटो चले जाओ। भाई गाड़ी में दिक्कत आना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, पर उसकी जिम्मेदारी लेना बहुत बड़ी चीज़ होती है। अब दूसरी बारी में इसके 1,800 रुपये लगे, अब गाड़ी चला रहा मस्त, कोई दिक्कत नहीं आई। अब भाई बंदा इतना दुखी, दोबारा बंद। तो भाई साहब ये समस्या चलती गई, बंदे का पैसा लगता गया। इस बंदे ने बहुत दिक्कत हुई, इसे बहुत दिक्कत हुई। उसके बाद इसने मेरी वीडियो देखना स्टार्ट करी, मेरे यूट्यूब पर मतलब सर्च मारा स्कूटी से रिलेटेड, मेरी इसको वीडियो देखी, मेरी वीडियो देख के मेरे पास आया। आज ही मेरे पास कस्टमर आया और मेरे से इसने बोला कि भाई ये कहानी है मेरी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। इसको बंदे को देख के ना मुझे इतना तरस आ रहा था, मैंने कहा भाई ये क्या बंदा यार, कितना दुखी है यार ये। इसकी स्कूटी मैंने पूछा कितने की ली है, इसने बोला भाई मैंने 15,000 रुपये खरीदी है। मैंने इसे बोला भाई एक काम करो, आप मेरे से 16,000-17,000 लो, मैं स्कूटी लेने के लिए तैयार हूँ, आप टेंशन मत लो।
बट भाई मंदिर ने बोला नहीं भाई मैं नहीं कर सकता, मेरे घर वाले मेरे को बोलेंगे ये वो, बहुत सी बातें होती हैं, बहुत से पर्सनल रीजन होते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, आप बताओ क्या करना है। इसने बोला भाई मुझे ना बस एक भरोसा चाहिए काम को लेकर, मेरी गाड़ी में जो काम आप करो उसकी पूरी गारंटी हो, उसकी पूरी जिम्मेदारी हो, और जो आप वीडियो में बोलते हो वो चीज़ हो। भाई मैंने इसके इंजन को खोला और इंजन को खोल के देखा, इसकी क्रैंक में दिक्कत है, इसकी हेड में दिक्कत है, पिस्टन में दिक्कत है। जिस मैकेनिक ने बेवकूफ बंदे ने काम किया था ना, इसके अंदर एक रबड़ की रिंग होती है, इसके अंदर वो रबड़ की रिंग बंदे ने तोड़ ताड़ के काट कूट के लगा रखी है एल्फी से जोड़ के। भाई साहब मैं तो हैरान हूँ, गाड़ी की लीकेज कहाँ से बंद होगी, दुनिया भर का यहाँ से ऑयल लीकेज हो रहा था। और जब मैंने गाड़ी को खोल के देखा तो भाई इसकी क्रैंक की बजी पड़ी थी सही तरीके से। अब मैंने यार एक बात बताओ, इंजन में अगर आप काम कर रहे हो, पिस्टन का काम कर रहे हो, 3-4 हज़ार लगा रहे हो और क्रैंक खराब है, तो क्या 3-4 हज़ार लगाना समझदारी है? बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। देखो यार समझदारी वाली बात कहूं मैं आपको, अगर आप स्कूटी चलाना चाहते हो एक लंबे टाइम तक के लिए और आपको लगता है कि आप 3-4 हज़ार लगा रहे हो और आपको लग रहा है कि आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत परेशानी है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपनी गाड़ी में वो दिक्कत परेशानी भी ठीक कराओ, 1-2 हज़ार रुपये को मत बचाओ। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी गाड़ी में यही समस्या आएगी जो अभी इस वाली गाड़ी में आ रही है। तो इस गाड़ी का मैंने इंजन का काम किया, अभी कर रहा हूँ इसका, ठीक है सारा कुछ। अभी तो आपको चमचमकता हुआ दिखाई दे रहा होगा, एकदम साफ सुथरा बढ़िया तरीके से। इस गाड़ी में इतनी गंदगी थी, इतना साफ सुथरा किया, डीजल से वॉश किया, भाई साहब क्या ही बताओ, मतलब चमका चमका के नया कर दिया। अभी इसमें ब्लॉक किट डाल रहे हैं, सारा सामान सुजुकी का जैनो डाला है सारा टोटल। ये मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल के तौर पे। काफ़ी सारे लोगों तो वेंडर का सामान डालते हैं और काफ़ी सारे लोगों तो थर्ड पार्टी का सामान डालते हैं लोकल वाला, भाई वो नहीं चलता है गाड़ी में यार, खासकर सुजुकी गाड़ी में। ये देखो ओरिजिनल है हीरो का, सॉरी इसका सुजुकी का ओरिजिनल है ओरिजिनल, ठीक है। और ये देखो एक छोटी सी सील है वो भी ओरिजिनल डल रही है, देखो सुजुकी की, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ बाद में बोलो। ये देखो क्रैंक सीट, ठीक है ये देखो क्रैंक सीट साफ की ऑयल सील और 83 रुपये, और ये देखो सिंगल सील है। ये बंदे ओरिजिनल नहीं डालते हैं, लोकल डालते हैं भाई। अरे भाई जब ओरिजिनल 80 रुपये की आ रही है तो आप लोकल पेल क्यों रहे हो गाड़ी में? मेरे को तो इस चीज़ को हैरानी होती देख के यार, मतलब हद होती है यार। और उसके अलावा ये देखो, ये है सुजुकी का चेन गाइड, ठीक है, ये है हमारी सुजुकी की बेल्ट। काफ़ी सारे लोग होते हैं जो क्लच की बेल्ट लोकल पेल देते हैं, भाई ये ओरिजिनल बेल्ट है, देखो ये ओरिजिनल बेल्ट है, देखो सुजुकी का दिख रहा होगा आपको, ठीक है। और ये जो बेल्ट है बंदे वेंडर की डाल देते हैं, बेंडो की डाल देते हैं, कौन कौन सी कंपनी की डाल देते हैं, और बाद में क्या होता है, बाद में कस्टमर परेशान होता है, रस्ते में उसकी बेल्ट टूट जाती है और बोलता बंदा कि यार मैंने तो मैकेनिक पर काम कराया है। और आप लोग मेरे को बोलते हो भाई कि बंदा यार मैकेनिकों को उल्टा सीधा बोल रहा है। अब भाई ऐसे मूर्ख इंसानों मिलेंगे ना आपको काम कराने के लिए, आपकी गाड़ी तो छोड़ो आपकी जिंदगी भी झंड हो जाएगी। गाड़ी की तो बहुत दूर की बात बता रहा हूँ और ये सच्चाई बता रहा हूँ दिल से एकदम। ऐसी गाड़ियाँ आती हैं, बहुत दुख होता है जब देखता हूँ। मेरी खुद की पर्सनल वर्कशॉप है, 100-150-200 कॉलें आती हैं डेली दिन में अपॉइंटमेंट के लिए। मैं एक दिन में सिर्फ 7 से 8 गाड़ी करता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं करता, क्योंकि उन बाइक को इन स्कूटियों को बारीकी से चेक कर सकूं और जो 8 गाड़ी मेरे पे दूर दूर से अपॉइंटमेंट लेके आए हैं उन्हें डीप तरीके से चेक करके सही करके दे सकूं। डंका पीट के कहते हैं भाई अगर आपकी गाड़ी में कोई काम किया मतलब तो आप लेके आओ फ्री में ठीक करके देंगे, अगर आपने सर्विस टाइम से कराई है, रिपीट सर्विस है आपकी गाड़ी तो। उसके अलावा अब इस गाड़ी में इंजन का काम हो रहा है, 8-9 हज़ार रुपये इंजन में खर्चा आ रहा है, बाकी इसके गेयरबॉक्स में खर्चा आ रहा है, क्लच के अंदर है। उसके अलावा इसके गाड़ी का जो हमारी क्लच की लेबर है, बॉडी में इसकी 4-5 हज़ार रुपये 6 हज़ार रुपये खर्चा था, पर बंदा बोला मेरा इतना बजट नहीं है, आप कम से कम में काम कर देना। मैंने कहा ठीक है भाई टेंशन मत लो, जितना हो सकता उतना बेस्ट कर दूंगा। तो टोटल ओवरऑल गाड़ी में खर्चा ठीक ठाक आ रहा है। हर गाड़ी का अलग अलग एस्टिमेट होता है, हर गाड़ी का अलग अलग काम होता है। इस गाड़ी की प्रॉपर तरीके से फिटिंग के साथ साथ वीडियो बनाऊंगा मैं फीडबैक की, बट आपको मैं अवेयर करना चाहूंगा अगर आप एक पुरानी स्कूटी या पुरानी बाइक खरीदना चाह रहे हो तो ध्यान रहे, आप बस एक चीज़ का ध्यान रखना, आप अपनी स्कूटी को लेने से पहले, पुरानी स्कूटी को या पुरानी बाइक लेने से पहले एक बार मैकेनिक पर जरूर चेक कराएं। और अगर कोई बंदा आपको ये बोल रहा है कि मेरी गाड़ी बहुत कम चली है, मेरी गाड़ी के इंजन में दिक्कत नहीं आएगी, तो उससे बोल दे कि भाई तू लिख के दे, मैं इसको लेने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि काफ़ी सारे लोग झूठ बोलते हैं यार, झूठ बोलते हैं इंजन का काम कराने के बाद वो झूठ बोलते हैं, 2-3 हज़ार रुपये लगा इंजन का काम हो गया। अरे भाई ऐसे नहीं होता काम। भाई मैं छोटी छोटी सी बात यही बनाना चाहूँगा, आपके पैसे मेहनत के हैं, आप मेहनत करते हो पैसा कमाते हो, और आप अपनी मेहनत के पैसों को सही तरीके से लगाना जानो। और यही मैं वीडियो में समझाता हूँ सिखाता हूँ आपको। मेरी बात भरी बुरी लगे, कुछ लोग होते हैं जिनको बुरी लगती है, कुछ लोग होते हैं जिनको अच्छी लगती है। अगर आपको अच्छी लगी तो एक बार कमेंट करके बताना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो मत करो मुझे फर्क नहीं पड़ता भाई, बस एक बात है अपनी जेब का पैसा बचाओ, फालतू लोगों से दूर रहो। आपको अगर मैं अच्छा नहीं लगता मुझे 10 गाली तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर अपनी जेब के पैसे बचाओ भाई, आपकी जेब के पैसे आपकी मेहनत के हैं, उसे ऐसे मत गवाओ। क्योंकि आप एक स्कूटी चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, आपकी मेहनत के पैसे हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में भाई, ये वीडियो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ, वैसे फालतू वीडियोज़ में कोई नॉलेज नहीं थी, बट यार मुझे बड़ा दुख होता है इस चीज़ को लेकर, बंदा स्कूटी खरीदे उसके बाद उसमें पैसा लगाए, उसके बाद उसमें दोबारा ढक्के मारे, फिर यार पैसा लगाने के बाद ढक्के मारने का मतलब कहाँ सा हुआ यार? आप खुद एक बार कमेंट करके मुझे बताना। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।